हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, यह है प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद। हाँ मैम, मुझे नए फिल्म का गाना सुनना था, कलंक फिल्म का। आपका नाम बताएंगे पहले आप? मैम, मेरा नाम शालिनी है। अच्छा शालिनी जी, क्या करते हो आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, और नवरात्र का उत्सव आप कैसे मनाते हो? मैम, मैं तो 9 दिन उपवास रखती हूँ घर में। मंदिर वगैरह जाते, ओटी वगैरह भरने देवी की। अच्छा। और जो गरबा के प्रोग्राम होते हैं, अभी 2 साल से तो नहीं थे, अभी शायद इस साल होंगे तो प्रोग्राम में जाते हैं, देखने को जाती हूँ। अच्छा, आप गरबा खेलते नहीं हो? नहीं जी, मेरे को थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम है, नहीं खेल सकती मैं। अच्छा, लेकिन देखना अच्छा लगता है आपको? हाँ, देखना अच्छा लगता है। टाइटल ठीक है। और कलंक का आपको कौन सा गाना सुनना है? सॉन्ग सुनना है मैडम। ठीक है शालिनी जी, आप और हम मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद। हेलो, हेलो। ये है प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद। हाँ, हमारे को एक गाना सुनना था जी। ताराचंद हाँ, आपका नाम बताइए। चौड़े बोल रहा हूँ मैं। अच्छा बताइए, आज आपकी क्या फरमाइश है? आज हमारी फरमाइश, आज नवरात्र लग रही है ना, हाँ तो संतोषी माता का गाना दे दीजिए। ठीक है, आप संतोषी माता का कौन सा टाइटल सॉन्ग सुनेंगे? वो मैं तो आरती उतारू वाला। बिल्कुल। और हाँ ताराचंद जी, कैसे हैं आप? और आप आप ठीक। नवरात्र उत्सव का पर्व कैसे मनाते हैं? देवी की आराधना कैसे करेंगे आप? जी हम यहाँ पे एक उनके नाम से एक दीवा लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, खेती में रहते हैं ना, तो इधर के जाने को नहीं मिलता, तो अच्छा। उसके नाम से एक दीवा लगा देते हैं और आंग पाना के, और एक अगरबत्ती लगा देते हैं उसके नाम से, और पैर लग लेते हैं। बिल्कुल। और आप क्योंकि आपके काम में व्यस्त रहते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ना, हाँ ना, ये खेती की वजह से टाइम नहीं मिलता है ना इधर उधर घूमने के लिए। हाँ लेकिन आपका काम ही आपकी पूजा है ना ताराचंद जी। जी, ठीक है, आप और हम मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का संतोषी माता। हेलो। हेलो मैडम, मेरे को गाना सुनना है। हाँ, ये है प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद। और आपका नाम हाँ, बताइए पहले। मेरा नाम मनीषा है। मनीषा जी, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है? ओ, अभी लव लव नाइट का गाना है ना, लव रात्रि हाँ, गरबा का। जी वो जी झूला तारा, वो गीला रंगीला हाँ, चौगाड़ा। तारा। जी हाँ, जी वही जी वाला। मनीषा जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन के, कब से ट्राई कर रहा हूँ मैडम, वैसे हमें एक प्रोग्राम में 1.5 साल हो गया, मैं किया नहीं फोन। जी, आपके बेटे की शादी हो गई? हाँ, हो गई, मेरे बेटे की शादी हो गई ना, मेरे बहू सामने बैठे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो आपकी ओ बहू और आप दोनों मिलकर सुनते हैं रेडियो के प्रोग्राम्स? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बॉय बोला ये गाना मेरे को बहुत पसंद है, आप हाँ बोल दीजिए, जी और उनके नाम बताने चाहता हूँ मैं आपको। हाँ, लेकिन ये तो बताइए, अभी आप दुर्गा पूजा कैसे मनाएंगे फिर इस साल? हाँ, दुर्गा पूजा हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं मैडम। हम दुर्गा पूजा में अभी जाते हैं ना, अभी हाँ हमारा 2 तारीख से पूजा चालू हो रहे, हाँ तो हम अच्छा से एंजॉय पूजा भी करते वहाँ पे, हम आते मस्त एंजॉय करते 4 दिन, खूब अच्छा, दशहरा तक खूब अच्छा से एंजॉय करते हम। जी, और घर पर आप क्या बनाएंगे प्रसाद फिर देवी के लिए? घर घर में प्रसाद हम वैसा मुदत बनाते हैं, पूरन पूरी बनाते हैं हाँ, जैसा हो, और अनुसाई बनाते हैं, अच्छा तो हम अपना बहू का नाम लेने चाहेंगे। जी, बिल्कुल लीजिए। मेरा बहू का नाम है शिवानी, और बिना लड़का का नाम है अक्षय, और मेरा बड़ा बेटा का नाम है विजय, अच्छा और बड़े बेटा का नाम है नेहा, बेटी ओके। का नाम है। और आप और हम हेलो, मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का। हेलो, ये है हाँ प्रोग्राम मुझे, हेलो मेरी पसंद। हाँ, मैडम, हाँ मुझे एक गाना सुनना था, जी आपका नाम बताइए। दर्पण दुधनकर। अच्छा दर्पण जी, क्या फरमाइश है आपकी? तो मुझे खिलाड़ी खिलाड़ी मूवी का सॉन्ग सुनना था एक, कौन सा? ये माँ शेरा वाली है, ठीक है ना। और दर्पण जी, क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम। ओके, तो अभी व्यस्त है आपके काम में? हाँ, व्यस्त हुए थोड़ा सा, इस टाइम मिला थोड़ा सा तो फोन लगा दिया आपको। अच्छा, क्या बना रहे थे वैसे आप? वैसे हम लोग अभी किचन क्रॉकरी का काम चालू है हमारा, और किचन क्रॉकरी का कम्प्लीट हो गया, वार्डरोब चालू है, अभी वार्डरोब बना रहे हम लोग। अच्छा ठीक है दर्पण जी, आप और हम मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का।
हेलो हेलो, मैं सुनंदा ओके बात कर रही हूँ मैडम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो मेरी पसंद में सुनंदा जी। हाँ जी, मुझे गाना सुनना था मैडम। हाँ, सदमा पिक्चर का है, थोड़ा गाके सुनाओ क्या? बिल्कुल सुनाइए ना। ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक कदम को गले से लगाया है ना। ए जिंदगी गले लगा ले। वाह सुनंदा जी, आप बहुत अच्छा गुनगुनाती है। हाँ जी, और बताइए आपके बारे में। मैं बैंक में सर्विस करती हूँ मैडम। सातवें महीने में जो मैं रिटायर हो गई अभी। अच्छा, तो अभी थोड़ा फ्री टाइम में अभी एंजॉय कर रही हूँ। हाँ। इधर उधर घूमना फिरना, और थोड़े थोड़े प्लान बना रही हूँ कहाँ जाना है क्या करना है करके। तो आपका कार्यक्रम जो है मैं एकदम मस्त सुनती हूँ। अच्छा। रेडियो मेरा किचन में है तो बहुत अच्छे तरह से सभी कार्यक्रम सुनती रहती हूँ। बहुत अच्छा सुनंदा जी, आपको रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छे से आपका बीते, इसलिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप और हम मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का। हेलो हेलो, हम हेलो मेरी पसंद से बोल रहे हैं जी। मैम मुझे गाना बताना था। हाँ बताइए ना, आपकी फरमाइश बताइए जी। अवतार पिक्चर का है। हाँ, अवतार का कौन सा? चलो बुलावा आया है। अच्छा, और आपने आपका नाम नहीं बताया जी। मैम मेरा नाम संदीप है। कहाँ से बात? अच्छा, नागपुर से। ओके, और अभी नवरात्र के दरमियान आप कैसी पूजा अर्चना करेंगे? जी अच्छे से करेंगे। अच्छे से यानी क्या करेंगे? उपवास करते हैं आप? व्रत करते हैं? मंदिर जाएंगे? जी, जी एक दिन का। अच्छा, और आपके घर में घट बैठते हैं देवी के? हाँ घर पे बैठते हैं। अच्छा, और आप क्या करते हैं संदीप जी? जी मैं टेलरिंग काम करता हूँ। ओके, तो लेडीज जेंट्स कौन से कपड़े आप सिलते हो? शर्ट। अच्छा, ठीक है संदीप जी, आप और हम मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का अवतार, इस फिल्म का ये गीत। हेलो मेरी पसंद। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो मेरी पसंद में। राधिका दीदी बोल रही है आप? नहीं, मैं सारिका हूँ। मैम ठीक है, मैं सावनेर से बात कर रही हूँ। संजना मोहर। संजना जी हाँ बताइए। हम दिल दे चुके सनम का ढोली तारो वो वाला सुना दीजिए जी। और आपको गरबा करना अच्छा लगता है संजना जी? हमारे घर में ही वो घर के सामने वो जो ये है उसमें देवी बैठती है मैम। अरे वाह, नवरात्रि में तो पूरा माहौल रहता है। अरे वाह, तो आप सब कार्यक्रम में शामिल होते हो? हाँ हाँ, घर में ही बैठते हैं। बहुत अच्छा, तो हाँ। कैसा वातावरण रहता है फिर इन 9 दिनों? अरे में? 9 दिन तो पूछो ही मत मैम। कैसा लगता है आपको इन 9 दिन? अरे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और वो 9 दिन तो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्या क्या किस प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं फिर इन 9 दिन? हर दिन रहते हैं मैम। क्या क्या रहता है थोड़ा स्वरूप तो बताइए। बच्चों के हाँ? जादूगर वगैरह के सब इस तरह के रहते हैं, वो देवी का गोंधल वगैरह सब रखते हैं। वाह बहुत अच्छा संजना जी। संजना जी अच्छा लगा आपसे बात करके। आप और हम मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद। हेलो नमस्ते सारिका मैडम। नमस्ते, हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए जी। मैं चंचल बात कर रही हूँ। चंचल जी कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी नागपुर से बात कर रही हूँ मैडम। सबसे पहले नवरात्रि की आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी नवरात्रि है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश लग रहा है। अरे वाह, क्या करती है आप नवरात्रि में? जी नए नए साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ, अलग अलग ड्रेसेस पहनना पसंद करती हूँ। बहुत ही अच्छा, और आप गरबा खेलने जाते हो क्या फिर? नहीं जी नहीं, गरबा तो नहीं खेलती हूँ। अच्छा, और आपके घर में देवी के घट बैठते हैं? जी घट नहीं है, सिर्फ देवी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और ओटी भरने जाते हैं मैडम जी। अच्छा अच्छा, और 9 दिन क्या प्रसाद बनाती है आप अलग अलग? अलग अलग कुछ ना कुछ, मीठा तीखा जो भी घर में पसंद है, बच्ची को पसंद है वो बना लेती हूँ मैडम जी। अरे वाह, और चंचल जी आज आपकी क्या फरमाइश है ये भी बताइए जी। मुझे मित्रों फिल्म का कमरिया ये गीत सुनना है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही हमें कॉल करते रहिए और हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए। चंचल जी आप और हम मिलकर
कम और शुक्रिया ज्यादा करने से जिंदगी आसान हो जाती है, है ना श्रोताओ? तो ये था आज का हेलो मेरी पसंद प्रोग्राम। आप भी आपका फरमाइशी गीत हमें बता सकते हैं अगले शुक्रवार दोपहर 12 से 12:45 तक। हमारे फोन नंबर्स नोट करें 2529266 और 2534527। और श्रोताओ, इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विजय सिंह राजपूत के साथ मैं सारिका आपसे आज्ञा चाहती हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।